हेलो स्टूडेंट, एट्थ क्लास संस्कृत का बीच में हमने व्याकरण का चैप्टर पढ़े हैं। अब हमारे तीसरा पाठ का जो बच रहा है वो पढ़ लेते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूर भास यंत्रम आदाय स्मरणानि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामः। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। वो कहता है, अब वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। सर्वाणि कार्याणि, इसमें नपुंसक लिंग है, बहुवचन है। समस्त कार्य करने भविष्यामि यानी कि भू धातु है और लिरट लकार यानी कि भविष्यकाल, लिरट लकार का उत्तम पुरुष है, बहुवचन। वस्त्र पुटे के रुपये काणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटे, इसमें शब्द आया वस्त्र पुटे यानी कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इतने आवश्यकता नहीं भविष्यति, जो पासबुक है और चेकबुक है इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थ है पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यते समाप्त प्रायः भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्दगस्य वा नूतन ज्ञाना अन्वेषणार्थम शब्दकोशः अपि आवश्यकतापि न भविष्यति। इसमें कर्दगस्य, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, भविष्यति इसमें वही भविष्यति आया जिसमें भू धातु होती है और लिरट लकार यानी भविष्यकाल है और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो भविष्य में भी हमें लिखने के लिए जो कॉपी कागज या नए ज्ञान शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी है वो भी नहीं होगी। एक कड़ी और है और कर लेते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता है अनुभूति है अपि न भविष्यति। इसमें देखो मार्गस्य और दर्शकस्य मानचित्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन आ रहा है। तो कह रहे हैं अनजान अपरिचित मार्ग यानी कि अनजान रास्तों में भी जानने के लिए मानचित्र या एटलस की आवश्यकता नहीं होगी, अनुभव नहीं, अनुभूति यानी कि अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वे एकेने यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब हम केवल एक यंत्र यानी कि मोबाइल से ही कर सकते हैं। सकादि कार्यार्थम फलाकार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चम करुतम चिकित्साले शुल्कम प्रदातुम। देखो सब्जी आदि खरीदने के सकार ने सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृह होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए चिकित्सालय शुल्क प्रदा, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए, किम बहुना दानम्पि दातुम चल दूर भास यंत्र में अलम डीजी भारतम, और भरने के लिए और अधिक या दान भी देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही, जो मोबाइल है चल दूर भास यंत्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः दूरगत्याम अग्रेसराम है, जो डिजिटल भारत है इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से, द्रुतम गत्या तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है।